अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सतरंगी गार्डन में। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं आज जिस प्लांट पर मैं वीडियो बना रही हूँ वो प्लांट आप लोगों के सामने है। इसको अशोक प्लांट कहते हैं। आज इसी के सारे टिप्स मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले रिसीव हो जाए। और प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स, तो वीडियो को लास्ट में लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा अशोक प्लांट है। इसकी आप रूट देख सकते हैं, काफ़ी हेल्दी प्लांट हो गया है। और ये जब मैंने प्लांट लगाया था फ्रेंड्स, तब ये बहुत छोटा प्लांट था। और ये मेरा 2 साल पुराना प्लांट है, 2 साल इसको हुए हैं लगभग जब मैंने इसको लगाया है। और आप देख सकते हैं काफ़ी ग्रीन प्लांट है। और इसकी जो है ज़्यादा केयर भी हमें नहीं करना पड़ती है और कोई फर्टिलाइज़र का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मेरा ग्राउंड में लगा हुआ प्लांट है। आप लोग देख सकते हैं इसकी पत्तियां कितनी ग्रीन हो रही हैं। और मानसून सीज़न में तो वैसे भी बहुत प्लांट अच्छे और ग्रीन हो जाते हैं, क्योंकि उस पर की जितनी डस्ट होती है सब धुल जाती है और बहुत अच्छे प्लांट निकल आते हैं। तो इसकी मिट्टी की बात करें, ये मेरा नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा हुआ है। जब मैंने लगाया था तो मैंने इसमें गोबर की खाद मिक्स करी थी मिट्टी में। और उसके बाद अभी फ्रेंड्स मैंने इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, क्योंकि ये इस टाइप के प्लांट जो होते हैं उसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। हाँ, अगर यही प्लांट अगर हम पॉट में लगाते हैं तो फर्टिलाइज़र मेरे लिए कंपलसरी हो जाता है देना प्लांट को। और अगर ग्राउंड में लगा है तो फर्टिलाइज़र की कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। और इसकी धूप की बात करें तो फ्रेंड्स ये सन लविंग प्लांट है और ये फुल सनलाइट में ही बहुत अच्छी से ग्रोथ करता है। इसको शेड नहीं पसंद है, ना ये शेड में ग्रोथ कर पाता है। ये फुल सन में ही ये बहुत अच्छा चलता है। आप लोगों ने देखा होगा पार्क वगैरह में ज़्यादातर ये आप लोगों को अशोक प्लांट मिलते हैं, तो ये सन लविंग प्लांट है। आप लोग अगर अपने लगाइए गार्डन में तो जहाँ पर बिल्कुल धूप रहती है पूरा दिन की, इसको मिलना चाहिए। और फर्टिलाइज़र तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर इसको आप पॉट में लगाते हैं तो हम इसमें पत्ती की खाद या गोबर की खाद दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसकी प्रोपोगेशन की बात करें अगर हम, तो इसकी पेंसिल साइज़ की कटिंग भी हम अगर लगा दें मानसून सीज़न में तो उससे ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। इसकी कटिंग ही लगती है, कटिंग से ये ईज़िली हम इसको ग्रो कर सकते हैं। और इसमें कोई भी डिसीज़ वगैरह नहीं लगती है, ये ऐसे ही चलने वाला प्लांट है, ना हमें इसकी कोई केयर वगैरह करना पड़ती है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि ग्रीनरी बहुत ऐड करता है और ये बहुत लंबे प्लांट हो जाते हैं। इनकी हाइट बहुत अच्छी, अगर इनको ग्राउंड मिल जाती है तो 25-30 फीट ये हाइट ले लेते हैं प्लांट। आप लोग देख सकते हैं मेरा ग्राउंड में लगा है, 2 साल का ये मेरा प्लांट है और काफ़ी ग्रोथ कर रखी है इस प्लांट ने। आप लोग इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करिए फ्रेंड्स। और मैं इसकी कटिंग भी लगाने को, अगर मैं इसकी कटिंग जब लगाऊँगी तो आप लोगों से मैं वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने इसको अभी तक पॉट में फ्रेंड्स नहीं लगाया है। और मैं सोच रही हूँ कि एक प्लांट इसका मैं पॉट में लगा दूँ, 4-5 कटिंग लगाऊँगी, तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी फ्रेंड्स। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। अल्लाह हाफ़िज़।